भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला रीवा द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती, जिसे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसी परिप्रेक्ष्य में मोर्चा द्वारा आगामी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री की जन्म जयंती मनाने तथा विश्व को भारतीय सनातन परंपरा से परिचित करवाने वाले युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, जिसे युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है, इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अटल कुंज में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें युवा मोर्चा द्वारा उन दोनों तिथियों को पार्टी और युवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। इस दौरान बताया गया कि युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के निर्देशानुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार एवं जिलाध्यक्ष विकास मिश्रा के नेतृत्व में 25 दिसंबर को सेमिनार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा मैराथन स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। आइए सुनते हैं वार्ता के अंश। भारतीय जनता युवा मोर्चा केंद्र की योजना से हमारे भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका जन्म दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है संपूर्ण भारत में, इसी निमित्त भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश की तरफ से भी संभाग स्तर पर 25 तारीख को युवा सम्मेलन के माध्यम से, युवा सेमिनार के माध्यम से कार्यक्रमों की रचना की गई है, जिसके निमित्त रीवा संभाग, सागर संभाग, मध्य प्रदेश के समस्त संभाग केंद्रों पर और महानगर केंद्रों पर इस प्रकार के सेमिनारों का आयोजन किया जा रहा है। और सेमिनारों का उद्देश्य यही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों को युवाओं के बीच में जाएं। उन्होंने अपने जीवन काल में जब प्रधानमंत्री वो रहे उस समय उन्होंने किस प्रकार की योजनाओं का आयोजन किया था, उन किस प्रकार की योजनाओं को नीचे तक लाभ मिले, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना हो, ऐसे अनेक प्रकार की योजनाएं उनके कार्यकाल में जो लागू हुई, जो देश के आम जनमानस के जीवन को बदला है, इसी को प्रेरणा बनाते हुए युवाओं में एक जनजागरण का वातावरण बने, इसके तहत यह कार्यक्रम का आयोजन 25 तारीख को रीवा संभाग में होने जा रहा है। युवा मोर्चा के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम के निमित्त एक 500 की संख्या का बड़ा सेमिनार, जो 3 घंटे का कार्यक्रम होगा, जिसमें अलग अलग विषय उद्घाटन सत्र रहेगा, फिर कृषि कार्य को लेकर के कृषि की योजनाएं किस प्रकार से उनने क्रियान्वित की थी उस समय, उस योजनाओं के ऊपर, और समापन सत्र, ऐसा करके 3 कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस कार्यक्रम में युवाओं को अधिकतर जोड़ने के लिए ऐसे क्रिएटिव युवा जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अलग काम करते हैं, कृषि के क्षेत्र में अनोखा कार्य करते हैं, ऐसे अलग अलग प्रतिभा के ऐसे नौजवानों को उस कार्यक्रम में समाहित करने का एक आयोजन रीवा संभाग में होने वाला है, इसी निमित्त यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है।